हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू चार्जिंग बाय इंडक्शन सो यहाँ पर हमारे पास uh, एक चार्ज है क्यू दैट इज इन द इनर कैविटी देयर सो दिस इज द इनर कैविटी देयर यहाँ पर हमने चार्ज क्यू को रखा है एंड एंड द चार्ज टू क्यू इज़ गिवन टू द इनर शेल सो बेसिकली ये जो आप सरफेस बी देख रहे हैं यहाँ पर हमने टू क्यू चार्ज दिया है एंड चार्ज थ्री क्यू इज़ गिवन टू द आउटर मोस्ट शेल एड शोन और ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है दिस सी सरफेस यहाँ पर हमने थ्री क्यू चार्ज दे रखा है एंड चार्ज क्यू इज़ कैप्ट इन द इनर कैविटी तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द चार्जेस एट द सर्फेसिज ऑफ ए बी एंड सी सो ये जो ए है दिस इज इनर सरफेस देयर हमने यहाँ इनर कैविटी में यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है सो so इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से देर इज़ इंडक्शन और इंडक्शन की वजह से बेसिकली यहाँ डेवलप हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो सरफेस बी है यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज तो बेसिकली यहाँ टोटल चार्ज बन रहा है टू क्यू प्लस क्यू मीन्स थ्री क्यू देयर सो ये बी सरफेस पे जो थ्री क्यू चार्ज है ये इंड्यूस करेगा माइनस थ्री क्यू आउटर वाले शेल के इनर सरफेस पे माइनस थ्री क्यू और इस माइनस थ्री क्यू की वजह से बाहर इंड्यूस होगा प्लस थ्री क्यू तो इस वजह से बाहर वाले सरफेस पे जो टोटल चार्ज बन रहा है दैट इज थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू मीन्स सिक्स क्यू देर और पूछा गया था बी सरफेस पे तो बी सरफेस पे है थ्री क्यू एंड अंदर जो कैविटी है जिसमें हमने क्यू रखा था और जो अंदर वाला जो सरफेस है इनर सरफेस जिसे हमने ए नाम दिया है इस पर डेवलप हो गया माइनस क्यू देर तो बी पे है थ्री क्यू और सी पे है सिक्स क्यू और ए पे है माइनस क्यू सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम